बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुंदेल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। 2 अक्टूबर से आर्यन खान अपने घर मन्नत नहीं लौटे हैं। कभी NCB की हिरासत में तो कभी न्यायिक हिरासत में उनका वक्त बीत रहा है। आर्यन खान जेल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ उनके लिए वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। अब जानकारी मिली है कि जेल में आर्यन खान किताबें पढ़कर अपने समय काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन खान ने जेल की लाइब्रेरी से 2 किताबें इशू करवाई हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक बेल की याचिका खारिज होने की खबर सुनकर आर्यन खान काफ़ी अपसेट थे, इसलिए उन्हें किताबें पढ़ने की सलाह दी गई। दरअसल क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं और अपने बैरक में राम और सीता से जुड़ी किताबें पढ़ रहे हैं। आर्यन की जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं जेल सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद कैदी जेल में पुस्तक पढ़ सकते हैं और वो पुस्तक पढ़ने के लिए जेल में बनी लाइब्रेरी से इसे मंगवा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि आर्यन खान ने जेल में पढ़ने के लिए गोल्डन लायन और राम और सीता से जुड़ी किताबों की मांग की है, जिसे वो अपने बैरक में पढ़ते हैं। आपको बता दें कि जेल की लाइब्रेरी में सैकड़ों पुस्तकें हैं जिसे जेल अथॉरिटी ने मंगाकर रखी हैं। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में वो पुस्तकें भी हैं जिसे दूसरे कैदी पढ़ने के लिए अपने परिजनों से मंगाते हैं, पर जेल से निकलने के बाद उसे जेल में ही छोड़ दिया जाता है। सूत्रों ने बताया कि बैरक में एक TV है जिस पर सभी कैदी न्यूज़, क्रिकेट या फिल्में देखते हैं और वीकेंड पर लोग फुटबॉल या दूसरा खेल खेलते हैं, पर आर्यन की सुरक्षा को देखते हुए उसे दूसरे कैदियों के संपर्क में आने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें NCB के सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट से भी आर्यन को जमानत ना मिलने इसके लिए NCB पूरी कोशिश करने वाली है। बता दें कि 2 दिन पहले जेल में बंद आर्यन खान से मिलने उनके पिता शाहरुख खान पहुंचे थे। जेल के अंदर मुलाकात के लिए बने कमरे में शाहरुख खान पहुंचे थे, जहां उनके बेटे आर्यन खान भी आए, लेकिन दोनों के बीच शीशे की एक दीवार थी जहां दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे पर बात नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए उन्हें इंटरकॉम का इस्तेमाल करना पड़ा। गौरतलब है कि आर्यन खान को NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई में क्रूज शिप से उनके दोस्तों के साथ पकड़ा था। NCB का आरोप है कि क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी होने वाली थी जिसका आर्यन खान भी हिस्सा बनने वाले थे। आर्यन खान को पहले गिरफ्तार करने के बाद कुछ दिनों तक NCB की कस्टडी में रखा गया, फिर जेल भेजा गया। आर्यन खान से जेल में मिलने के लिए उनके पिता शाहरुख खान भी गए थे। पिता और बेटे के बीच 15 मिनट की बातचीत हुई, इस दौरान दोनों काफ़ी इमोशनल हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।